नमस्कार दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं इनके ऊपर नजर डालेंगे ये जो क्वेश्चन है वो मैंने पिछले 20 क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके निकाले हैं तो आप इनको अगर अच्छे से स्टडी करेंगे तो आपको एग्जाम में काफ़ी आसानी होगी लेकिन इन 25 सवालों के साथ अपनी भी ओन रिसर्च करना अपने रेफरेंस बुक को स्टडी uh, करना और अपने हिसाब से आत्मनिर्भर बनना ये मेरी आपको एक सलाह रहेगी तो अभी हम लोग नजर डालेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सबसे पहला है फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये आपको 12 मार्क्स के लिए आ सकता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विध यूनिटरी फीचर्स डिस्कस ये जो सवाल है आपको 12 मार्क्स के लिए आ सकता है अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल फीचर्स भी पूछे गए और यूनिटरी फीचर्स भी एक साथ पूछे गए तो अदरवाइज अगर आपको सिर्फ फेडरल फीचर्स पूछे गए तो ये पांच मार्क्स के लिए आ सकता है और सिर्फ यूनिटरी फीचर्स पूछे गए तो भी आपको पांच मार्क्स के लिए आ सकता है इसके बाद में आएगा डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट फंडामेंटल राइट आपको आर्टिकल थर्टी टू तक हर एक ऑफ हर एक आर्टिकल को डिफाइन नहीं करना है सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले जो भी फंडामेंटल राइट है उनको शॉर्ट में अपने ओन वर्ड्स में डिफाइन करना है सबसे पहले अगर आपको सभी फंडामेंटल राइट्स पूछे गए तो आपको बताना है राइट टू इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस जो कि है आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 राइट टू फ्रीडम जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें छह फ्रीडम्स दिए हैं वो आर्टिकल 19 में मेंशन है इसके बाद में आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इसके बाद में सेक्युलरिज्म एंड रिलीजियस फ्रीडम इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन चार फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन करना है एंड आर्टिकल 32 को एक रेफरेंस देना है जो कि है रिट पिटीशन इन द सुप्रीम कोर्ट इसके बाद में आपको पूछा जा सकता है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो सबसे पहले तो प्रियम्बल के जितने भी वर्डिंग्स हैं इनको आप मेमोराइज कर लेना और प्रियम्बल के जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं यानी इंडिया इज अ सोवरिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये जो चार वर्डिंग्स है और इसके बाद में प्रियम्बल में जितने भी इंपॉर्टेंट वर्डिंग्स हैं इनको आप अच्छे से मेमोराइज कर लेना इसके बाद में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन अगर आपको केशव नंदा भारती के रेफरेंस के साथ पूछा गया तो बारह मार्क्स के लिए आएगा अदरवाइज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन अगर सिंगल पूछा गया तो पांच मार्क्स के लिए आ सकता है इसके बाद में सिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन द अमेंडमेंट पावर ऑफ द लेजिस्लेचर अलॉन्ग विद द प्रिविलेजेस ऑफ द लेजिस्लेचर विद रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट केसेस तो आपको केस के साथ में अमेंडिंग प्रोसीजर समझाना होगा और अमेंडमेंट किस प्रकार की होती है यानी तीन तरह के जो अमेंडमेंट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उनको समझाना होगा इसके बाद में सातवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्कस द जुडिशियल एक्टिविज्म ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया इसमें भी आपको एटलीस्ट एक केस लॉ तो बताना होगा इसके बाद में आठवां क्वेश्चन है जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी आपको अगर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी के साथ पूछा गया तो 12 मार्क्स के लिए अदरवाइज जुडिशियल रिव्यू सिर्फ आपको 5 मार्क्स के लिए आ सकता है इसके बाद में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज एंड राइट टू एजुकेशन एक्ट टू तो आपको आर का जो अमेंडमेंट था दो में इसका भी आपको एक रेफरेंस देना होगा इसके बाद में रूल ऑफ लॉ पूछा जा सकता है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस यूनिफॉर्म सिविल कोड ये मैंने पॉलिटिकल साइंस में डिफाइन किए हैं मतलब इसके ऊपर मैं ऑलरेडी लेक्चर्स कर चुका हूं लेकिन आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का जो रेफरेंस लेके इनको अलग से क्राफ्ट करना होगा तो अगर आपको आ, सिर्फ एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग के लिए देखना है तो मेरे आप पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर देख लेना अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के रेफरेंस के हिसाब से इनके ऊपर सेपरेटली वीडियोस आएंगे इसके बाद में तेरवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेलिटी बिफोर लॉ एज पर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलोंग विद केस लॉज इसमें आपको दो केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है वो डिफाइन करने होंगे सबसे पहला है ए के एक, एक वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया और इसके बाद में है मनेका गांधी वर्सेस यूनिय यूनियन ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया या फिर मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया चौथा, फोर्टीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एस पर आर्टिकल ट्वेंटी वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलॉन्ग विद केस लॉ एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला ये जो है वो इंटरनल इमरजेंसी 1975 से लेकर 77 तक जो लगाई थी उसका रेफरेंस लेकर आपको ये एडीएम जबलपुर वर्सेज शिवकांत शुक्ला ये केस लॉ एक्सप्लेन करना है इसके बाद में प्रोविजन रिलेटिंग टू इमरजेंसी एंड टाइप्स ऑफ इमरजेंसी अगर आपको दोनों सवाल एक साथ पूछे गए तो ये बारह मार्क्स के लिए आ सकता है अदरवाइज पांच मार्क्स के लिए प्रोविजन रिलेटिंग टू इमरजेंसी आपको सिर्फ डिफाइन करने हैं इसके बाद में सिक्सटीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है presidents rule तो presidents rule क्या है इसके प्रोविजंस क्या है और इसके इंप्लिकेशंस क्या है इन तीनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए presidents rule वाला जो क्वेश्चन है वो आपको एक्सप्लेन करना होगा ये आपको पांच मार्क्स के लिए आ सकता है इसके बाद में यूपीएससी एंड अदर सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट इसको आपको पांच मार्क्स के लिए शॉर्ट नोट आ सकती है तो यूपीएससी के रिलेटेड जो आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन में उनके ऊपर भी नजर डाल देना और यूपीएससी के कितने सर्विसेस है इनको भी आप मेमोराइज कर लेना इसके बाद में इलेक्शन कमीशन पावर्स एंड फंक्शंस ये आपको पांच मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है इसके बाद में पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट प्रोसीजर फॉर इट्स इम्पीचमेंट ये सवाल आपको बारह मार्क्स के लिए आ सकता है इसके बाद में मनी बिल एंड ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव जो तीन फार्म बिल्स आए थे इनको जिस प्रकार से ऑर्डिनेंस के रूप में या फिर आर्टिकल 370 को जिस प्रकार से एब्रोगेट किया था ऑर्डिनेंस के रूप में तो आपको इनका भी रेफरेंस देना पड़ सकता है मनी बिल एंड ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव इक्कीसवा क्वेश्चन है एडवाइजरी जुडिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड एक्सप्लेन वेदर द सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड बाई इट्स ओन लॉस और नॉट ये सवाल आपको 12 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है इसके बाद में प्रोसीजर फॉर सिटीजनशिप एस रिस्पेक्ट टू सिटीजनशिप एक्ट ये जो सी एनआरसी और एनपीआर ये जो करंट इवेंट्स हैं इनको भी आपको रेफरेंस में देना होगा अ पॉलिटिकल वे में आपको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का साइड नहीं लेना है आपको बस बताना है इनके प्रोज और कॉन्स क्या है और प्रोसीजर फॉर सिटीजनशिप NRC, NPR और CAA इन तीनों के रेफरेंस से दे देना यह सवाल आपको पूछा जा सकता है और आपको जो अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट जितने भी आंदोलन हुए थे उनका भी रेफरेंस आपको देना होगा इसके बाद में ट्वेंटी फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिट ज्यूडिस्डिक्शन विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल थर्टी एंड आर्टिकल टू अगर आपको आर्टिकल 32 एंड 226 दोनों एक साथ पूछे गए अलोंग विद द फाइव रिट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन तो ये सवाल आपको 12 मार्क्स के लिए आएगा अदरवाइज कोई भी सिंगल रिट आपको पूछा गया तो आपको ये 5 मार्क्स के लिए आ सकता है इसके बाद में आखिरी है नॉइस पोल्यूशन इन द नेम ऑफ रिलीजन इज नॉट परमिजेबल डिस्कस द फ्रीडम ऑफ रिलीजन विद रिस्पेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ये सवाल आपको 12 मार्क्स के लिए आएगा और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई केस लॉज मिले तो डाल देना अदरवाइज इट्स नॉट एन हार्ड एंड फास्ट रिक्वायरमेंट ये आपको 12 मार्क्स के लिए आएगा सो आई होप यू अंडरस्टूड अंटिल दिस थैंक यू सो मच प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल